हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने के लिए यह एक कम्प्लीट वीडियो ट्यूटोरियल है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आप कंप्यूटर फंडामेंटल कम्प्लीटली सीख जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की पूरी नॉलेज हो जाएगी। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सभी टॉपिक दे दिए हैं। उन टॉपिक के सामने उनके टाइम स्टैम्प दिए गए हैं। आप जिस भी टॉपिक को पहले सीखना चाहते हैं यानी उसके बारे में पहले जानना चाहते हैं, बस आपको टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर देना है। आप डायरेक्ट उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे तो आप पहले किसी भी टॉपिक की नॉलेज ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर का, क्योंकि इसकी नॉलेज होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जॉब इंटरव्यूज़ में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। यदि आपने कंप्यूटर में कोई भी कोर्स किया हुआ है या आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में कमांड है, उसके बावजूद भी अगर आपसे कोई कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है और आपको उसकी नॉलेज नहीं होती है, तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको मान लेता है कि आपको कंप्यूटर में कुछ नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स की नॉलेज अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस से रो डेटा का इनपुट लेता है और उस डेटा पर काम करके रिजल्ट को आउटपुट के रूप में बदलता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार हमसे इंटरव्यू या एग्जाम में कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो देखिए, कंप्यूटर में इन 8 करेक्टर्स का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर देखिए इन 8 करेक्टर्स से मिलकर बना है। तो यहाँ पर C का मतलब है कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इंजीनियरिंग, कई जगह पर इसे एजुकेशन भी बोलते हैं, और R फॉर रिसर्च। और इन सबको अगर हम आपस में मिला दें तो क्या बन जाएगा? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग रिसर्च। तो यह क्या है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। ओके, कंप्यूटर का इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने किया था, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, आपको इसे याद रखना है। और इसे इन्होंने 1837 में बना लिया था। ओके, तो जो ईयर है वो देखिए आपको अलग अलग वेबसाइट पे कई अलग मिल सकता है। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था उसे चार्ल्स बेबेज द्वारा ही बनाया गया था, और इसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ओके, इसे भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स देखें, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, वो है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ओके, याद रखना है आपको। अब फ्रेंड्स देखिए, हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कई बार कई गवर्नमेंट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी आज जिन कंप्यूटर्स को हम यूज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटर हमें डायरेक्ट नहीं मिले, हमें पहले कई तरह के कंप्यूटर्स को यूज़ करना पड़ा था। तो वो किन जनरेशन्स के कंप्यूटर थे उनके बारे में ही हमें जानना है। तो जो सबसे पहली जनरेशन आई थी वो थी फर्स्ट जनरेशन। अब ये फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक रही। और फ्रेंड्स, इस जनरेशन के अंदर सीपीयू और मेमोरी के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, और वैक्यूम ट्यूब की साइज़ काफ़ी बड़ी होती थी, और वैक्यूम ट्यूब कई सारे यूज़ करने पड़ते थे, इसलिए इन कंप्यूटर्स की जो साइज़ थी वो काफ़ी बड़ी थी, यानी एक कमरे के बराबर के कंप्यूटर हुआ करते थे, आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो कंप्यूटर थे ये कंप्यूटर अनरिलायबल थे, मतलब ये विश्वसनीय नहीं थे, इनके द्वारा जो रिजल्ट आता था उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। ये मशीनी लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, इन लैंग्वेजेस को केवल साइंटिस्ट ही समझ सकते थे, और इन कंप्यूटर को ज़्यादातर साइंटिस्ट ही यूज़ करते थे, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, हर कोई इन्हें खरीद नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर थे ना ये बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे, कारण क्योंकि इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी थी। तो फ्रेंड्स, इन कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन यानी एसी की ज़रूरत होती ही थी। साइज़ काफ़ी बड़ी थी इसलिए इन कंप्यूटर्स को उठाकर आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए ये नॉन पोर्टेबल कहलाते थे। और फ्रेंड्स, इस जनरेशन
के जो कंप्यूटर थे उनमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था, जो कि काफ़ी स्लो थे। तो फ्रेंड्स, इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से एक है एनेक, एविक, IBM 701, IBM 650। तो ये क्या है, इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो जो सेकेंड जनरेशन है वो 1959 से लेकर 1965 तक चली, ठीक है। इस जनरेशन के बीच में जो भी कंप्यूटर थे वो सभी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। इस जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। अब वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर में क्या था, साइज़ का डिफरेंस था। वैक्यूम ट्यूब की साइज़ काफ़ी बड़ी थी जबकि ट्रांजिस्टर की साइज़ थोड़ी छोटी थी, और ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से थोड़े सस्ते भी होते थे और जो पावर कंजप्शन है वो भी कम करते थे। इस वजह से कंप्यूटर थोड़ा छोटा हो गया और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो फास्ट था। एयर कंडीशन अभी भी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में रिक्वायर्ड था, यानी एसी आपको लगाना ही पड़ता था। इस जनरेशन में देखिए, बस एक अच्छी बात ये थी कि इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस भी यूज़ होने लगी, जैसे कि फोल्ट्रान, कोबोल और असेंबली लैंग्वेज। इस सेकेंड जनरेशन के अंदर इन लैंग्वेज का यूज़ होने लगा। ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़े रिलायबल थे, मतलब इनसे जो रिजल्ट आता था उन पर थोड़ा विश्वास किया जा सकता था, अगर कंपेयर करें हम फर्स्ट जनरेशन से तो। और फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर थे अभी भी कॉस्टली थे, इन्हें केवल साइंटिस्ट द्वारा ही यूज़ किया जा रहा था। सेकेंड जनरेशन में यूज़ होने वाले कुछ कंप्यूटर हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604। ये सभी क्या हैं, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ओके। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक चली। इस जनरेशन के कंप्यूटर में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा, और इंटीग्रेटेड सर्किट का जो आविष्कार है वो जैक केलवाई ने किया था। जब से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी छोटे हो गए। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से मुकाबला करें तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो काफ़ी छोटे थे, और काफ़ी छोटे होने की वजह से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, और एयर कंडीशन तो अभी भी रिक्वायर्ड था, ओके। लेकिन फ्रेंड्स, इन कंप्यूटर की एक खास बात थी, वो ये थी कि ये कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोल्ट्रान सेकंड से फोर्थ तक, कोबोल, पास्कल, बेसिक जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे। और फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर थे काफ़ी रिलायबल थे। और फ्रेंड्स, इसी जनरेशन से रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगे। अगर फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो ये फास्ट और बहुत ही ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले कंप्यूटर थे, लेकिन ये कंप्यूटर अभी भी कॉस्टली थे। तो फ्रेंड्स, इस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर यूज़ होते थे, देखिए उनके नाम है IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP, IBM 370 एंड 168। ये सभी कंप्यूटर इस जनरेशन में यूज़ होते थे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980s तक रही। जैसे फोर्थ जनरेशन आई तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के अंदर क्रांति आ गई। अब कंप्यूटर के अंदर क्रांति क्यों आ गई, क्योंकि फोर्थ जनरेशन से ही कंप्यूटर हर जगह यूज़ होने लगे। जहाँ भी आज आप कंप्यूटर को देखते हो, फोर्थ जनरेशन से ही वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होने लगे थे। अब इस जनरेशन को इतना अच्छा किसने बनाया, इस जनरेशन को अच्छा बनाया VLSI ने। VLSI एक सर्किट बनाया गया जिसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और इसको IC की जगह पर यूज़ हुआ। यानी कंप्यूटर में जो सबसे मेन डिवाइस था वो VLSI था। इस VLSI ने कंप्यूटर को काफ़ी छोटा और फास्ट कर दिया। जब ये जनरेशन आई तो इस जनरेशन के अंदर सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होने लगा। साथ ही इन कंप्यूटर्स के अंदर एयर कंडीशन की ज़रूरत भी नहीं थी। साथ ही कंप्यूटर पोर्टेबल भी थे, इन कंप्यूटर को उठाकर कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता था। ये कंप्यूटर काफ़ी सस्ते थे जिसे आसानी से खरीदा जा सकता था। ये कंप्यूटर रिलायबल थे। फ्रेंड्स, फोर्थ जनरेशन से ही इंटरनेट का कंसेप्ट भी आया, यानी इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। तब से कंप्यूटर में और ज़्यादा क्रांति आ गई जब से इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन से ही ईजिली अवेलेबल होना स्टार्ट हुए। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, कैरी 1 सुपर कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फोर्थ जनरेशन। अब फ्रेंड हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर अभी तक चली आ रही है, यानी आप जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो सभी फिफ्थ जनरेशन के अंदर आते हैं।
फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर VLSI की जगह एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और उसका नाम है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टेक्नोलॉजी से मिलकर ही माइक्रो प्रोसेसर बना है, यानी अभी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर आता है और माइक्रो प्रोसेसर के यूज की वजह से कंप्यूटर परफॉर्मेंस और स्पीड में काफी अच्छे हो गए हैं। इसलिए इन कंप्यूटर का यूज हैवी वर्क में किया जाता है, जैसे कि रोबोटिक्स में, गेम प्लेइंग के अंदर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। साथ ही इन कंप्यूटर का यूज़ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये काफ़ी पॉपुलर जनरेशन है और अभी जितने भी कंप्यूटर हैं ये सभी फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही आते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो केवल फिफ्थ ही है। अब जो जनरेशन आती हैं वो प्रोसेसर की जनरेशन आती है, यानी माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन आती है। जो साइंटिस्ट है वो प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने में और प्रोसेसर की साइज़ को छोटा करने में लगे हैं। यानी अब जितनी भी जनरेशन आगे आने वाली है वो सभी जनरेशन प्रोसेसर की जनरेशन है, ना कि कंप्यूटर की जनरेशन। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने सुना होगा Core i3 फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 10 जनरेशन, अभी 11 जनरेशन भी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन, ना कि कंप्यूटर की जनरेशन। क्योंकि अब कंप्यूटर तो छोटा कर लिया गया है, काफ़ी फास्ट कर लिया गया है, अब तो केवल प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है यह है CPU का इंटरनल डायग्राम, मतलब कि CPU कैसे इंटरनल प्रोसेस करता है उस चीज़ के लिए एक डायग्राम है। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि CPU क्या होता है। CPU कंप्यूटर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। देखिए, CPU कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर को ही कहा जाता है। अब माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से आते हैं, जैसे Core i3, Core i5, Core i7, और इनके अंदर भी जनरेशन और इनके काम करने की स्पीड। तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिटेल वीडियो मैं कभी अलग से बना दूंगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर को ही हम CPU कहते हैं और आज हम माइक्रो प्रोसेसर के या CPU के इंटरनल प्रोसेस के बारे में ही जानने वाले हैं कि कैसे CPU काम करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के वो डिवाइस होते हैं जिनकी सहायता से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर CPU तक भेजते हैं, यानी वह सभी डिवाइस जो डेटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं। सिंपली अगर हम समझे तो वह सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब ऐसे डिवाइस कौन कौन से हैं? वैसे तो ऐसे डिवाइस बहुत सारे हैं, बट अभी एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्यों है वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ऐसे डिवाइस जिन पर क्या आता हो, रिजल्ट आता हो या आउटपुट आता हो, वो सभी डिवाइस कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। जिस डेटा पर कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जनरेट करता है, तो कंट्रोल यूनिट रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पर ही भेजता है। तो ऐसे डिवाइस जो डेटा को रिजल्ट के रूप में शो करते हैं वो सभी डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ओके, आपको ऐसे समझना है। तो कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं? सबसे पहले आता है मॉनिटर, फिर आता है प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। तो मॉनिटर आई थिंक आप जानते होंगे, अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, यानी CU की। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कंट्रोल करने वाली यूनिट। इस यूनिट का काम होता है सभी डिवाइस पर कंट्रोल रखना, इनपुट से आने वाले डाटा को प्रोसेस करना, आउटपुट तक पहुंचाना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तक पहुंचाना। तो ये यूनिट क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। अब कैसे करती है, कैसे डेटा आउटपुट तक पहुंचता है, उसे देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसा कि हमने डेफिनेशन में समझा था कि ऐसे डिवाइस जो कि डेटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं, यानी CPU तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, कीबोर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस में क्यों रखा। अब जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड से कुछ भी लिखा, जैसे आपने लिखा कंप्यूटर। ओके, अब कंप्यूटर जैसे आपने कीबोर्ड से टाइप करा, तो कीबोर्ड से यानी तार से होता हुआ ये डेटा कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। यानी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में जुड़ा हुआ है और इनपुट डिवाइस इनडायरेक्टली CPU से जुड़ा हुआ है, और CPU ये जो हम पूरा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं CPU का ही इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी हम प्रोसेस को समझ रहे हैं एक्चुअल में, प्रोसेस कैसे CPU काम करता है। तो कीबोर्ड से हमने जैसे कोई भी करेक्टर को प्रेस किया तो जो डेटा है ना वो कहाँ गया है, कंट्रोल यूनिट के पास गया है, यानी अंदर गया है कंप्यूटर के अंदर CPU के पास। तो एक्चुअल में ये तो पूरा ही CPU है
और सीपीयू के अंदर भी किस पार्ट के पास गया है, कंट्रोल यूनिट के पास गया है। इसलिए कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस में रखा है, क्योंकि जब भी कीबोर्ड से कोई हम की को प्रेस करते हैं तो डेटा कहाँ जाता है, अंदर। अब यहाँ पर मैं बार बार एक वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, वो है डेटा। अब देखिए डेटा क्या होता है, देखिए डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी क्या है, डेटा है। कंप्यूटर में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं तो वो क्या होता है, डेटा होता है। या कंप्यूटर में जो भी स्टोर्ड फॉर्मेट में रॉ मटेरियल है वो भी क्या है, डेटा है। जैसे MP3, वीडियोज़, गेम्स, वॉलपेपर, ये सभी क्या होता है, डेटा ही होता है। तो जब डेटा इनपुट डिवाइस से कंट्रोल यूनिट के पास जाता है तो ऐसे सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस में आते हैं जो कि डेटा को कंट्रोल यूनिट तक भेजने का काम करते हैं। तो उनमें से एक हमने अभी समझा कीबोर्ड, और कीबोर्ड को मेरे कहने से इनपुट डिवाइस में नहीं रखा, क्योंकि जब हम की को प्रेस करते हैं तो डेटा कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, इसलिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए क्या होगा कि कंट्रोल यूनिट के पास जो भी आपने कीबोर्ड से एंटर करा वो कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास हो जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या चेक करता है कि जो डेटा आया है उस पर क्या कोई इसे प्रोसेस करना है, तो इसने क्या देखा कि अभी आपने कंप्यूटर टाइप करा है तो कंप्यूटर करेक्टर से मिलकर बनाए, तो ये सीधे क्या करेगा, इसे यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, कहाँ पर, आउटपुट डिवाइस में। अब आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, हमारा मॉनिटर। अब मॉनिटर पर क्या जाएगा, जो भी आपने कीबोर्ड से टाइप करा वो आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पर क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। देखिए मॉनिटर से तो कुछ हम इनपुट नहीं कर रहे ना, मॉनिटर पर क्या ले रहे हैं, हम आउटपुट ले रहे हैं, इसलिए मॉनिटर किस में आता है, आउटपुट डिवाइस में आता है, ओके। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में क्यों आया, क्योंकि हमने डेटा कहाँ भेजा है, अंदर, और अंदर कंट्रोल यूनिट ने चेक करा कि जो डेटा है वो डेटा क्या उसे डायरेक्ट मॉनिटर पर ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो जो करेक्टर से मिलकर बना हुआ डेटा है उसे डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट ने आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर पर ट्रांसफर कर दिया। अब मान लो आपने यहाँ पर देखिए इनपुट में माउस भी आता है, माउस से आपने क्या करा, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर जो है उसे ओपन करा, ओके। तो कैलकुलेटर आपने ओपन करा तो कंट्रोल यूनिट को पता लगेगा कि यूज़र क्या चाहता है, कैलकुलेटर यूज़ करना चाहता है, तो मॉनिटर पर क्या होगा, आपको कैलकुलेटर ऐसे ओपन दिखाई दे जाएगा, यानी ये रन मोड में आ जाएगा और आप यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपने कीबोर्ड से, देखिए मॉनिटर पर तो आउटपुट दिख रहा है, कंट्रोल यूनिट ने कैलकुलेटर वाले सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया। अब आपने इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड से +2 टाइप किया, तो ये 2+2 कीबोर्ड से यानी तार से होता हुआ कहाँ गया, अंदर गया कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट ने चेक करा कि जो डेटा इस बार आया है ना, ये डेटा कैसा आया है, एक न्यूमेरिक डाटा आया है, कैलकुलेशन करने वाला डेटा आया, यानी इस पर इसे कैलकुलेशन करनी है। तो कंट्रोल यूनिट का काम कैलकुलेशन करना नहीं होता, कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल करता है डेटा आपको, तो यहाँ से कंट्रोल यूनिट डेटा को कहाँ भेज देगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। अब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, जो भी कैलकुलेशन वाला डेटा है ना उस पर काम करना। तो 2+2 को 4 में कौन बदलेगा, 2+2 को 4 में बदलेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस यूनिट का काम होता है कैलकुलेशन करना, कोई भी न्यूमेरिक डाटा पर या कोई भी लॉजिकल डाटा पर काम करना, ये सब काम किसका होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। तो अब क्या होगा, जो डेटा है ना वो डेटा कंट्रोल यूनिट ने यानी 2+2 कहाँ भेज दिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज दिया। और अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने इसे क्या करा, 4 में बदला, और 4 में बदलने के बाद इसे वापस कंट्रोल यूनिट को दिया, और कंट्रोल यूनिट ने इसे आउटपुट डिवाइस में यानी मॉनिटर पर जो कैलकुलेटर ओपन है ना उसमें यहाँ पर 4 आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये 4 किसने बदला था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने कैलकुलेशन करने के बाद इसे 4 में बदला है, ओके फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से इंटरनल प्रोसेस होती है, यानी कैलकुलेशन वाला सारा काम कौन संभालता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जॉब इंटरव्यू में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है, लॉजिकल डेटा पर काम करना। जैसे लॉजिकल डेटा हो गया कि 2 > 3, कि क्या 2 3 से ग्रेटर देन है, तो नहीं है, तो ये सब कौन चेक करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सब काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट डिवाइस में वह सभी डिवाइस आएंगे जो डेटा को इनपुट करने में हेल्प करेंगे। कंट्रोल यूनिट का काम हो गया डेटा पर कंट्रोल करना, आउटपुट डिवाइस का काम हो गया डेटा को रिजल्ट के रूप में शो करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम हो गया कैलकुलेशन करना, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा पर कैलकुलेशन करके आउटपुट देना। इसके बाद देखिए एक यूनिट और है, वो है मेमोरी यूनिट,
और मेमोरी यूनिट के अंदर हम दो मेमोरी को रखते हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। और मेमोरी पर अलग से एक चैप्टर है जिसे मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जो भी डेटा या जो भी कैलकुलेशन हो रही है या जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस अगर एक सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में काम कर रहा है तो सब कुछ मेमोरी के अंदर से ही हो रहा है। ओके, मेमोरी का काम होता है डेटा को लोड रखना। अब ये डिपेंड करेगा कि डेटा परमानेंट सेव है तो सेकेंडरी मेमोरी में होगा, और अगर डेटा टेम्प्रेरी है तो प्राइमरी मेमोरी में होगा। इसे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा इससे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, फिलहाल इतना ही। ओके, अब हम सभी इनपुट डिवाइस को लाइन बाय लाइन समझते हैं, फिर मैं आपको आउटपुट डिवाइस बताऊंगा डिटेल्ड में। ओके, तो चलिए अब इनपुट डिवाइस को हम डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहले हम रखते हैं कीबोर्ड को, जिसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। फिर है माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक्स टेबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजर। इसके बाद आता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देता है, वैसे आप सभी ने देखा होगा। कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि कीबोर्ड के अंदर जो ये सबसे ऊपर वाली कीज़ होती हैं F1 से लेकर F12 तक, इन्हें हम फंक्शंस कीज़ कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये न्यूमेरिक की होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट की है A से लेकर Z तक। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ टोगल कीज़ होती हैं, टोगल का मतलब होता है जिनका भी डबल काम होता हो, उल्टा काम होता हो, जैसे कैप्स लॉक। कैप्स लॉक अगर ऑन है तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, अगर ऑफ है तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है तो साइड में आपको न्यूमेरिक पैड दिखाई देगा, जिसमें अलग से कैलकुलेशन करने के लिए आपको बटन दिए होते हैं जो यहाँ पर साइड में होता है। ओके, तो यह है हमारा कीबोर्ड। एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर 102 से लेकर 104 की तक होती है। वैसे मैं आपको कीज़ पर ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए आजकल कीबोर्ड्स कई तरह के आ रहे हैं जिन्हें हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बटन मिल जाएंगे जिन्हें मैं आपको काउंट करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिया है। जितना आप पैसा कीबोर्ड पर खर्च करेंगे आपको उतना अच्छा मल्टीमीडिया कीबोर्ड मिलेगा। मल्टीमीडिया कीबोर्ड की एक खासियत होती है, वो ये होती है कि इसमें कुछ आपको शॉर्टकट वाले बटन दिए होते हैं। जैसे मान लो आपको कैलकुलेटर ओपन करना है तो यहाँ ऊपर एक कैलकुलेटर का बटन होगा, जैसे आप उस बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। मान लो आपको ब्राउजर ओपन करना है तो एक बटन होगा, आप ब्राउजर वाला बटन दबाएंगे तो ब्राउजर ओपन हो जाएगा। आपको वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वहां पर एक प्लस माइनस का बटन होगा, उससे क्या होगा जो आपके कंप्यूटर की वॉल्यूम है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे काफी सारे आपको शॉर्टकट बटन मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना महंगा कीबोर्ड खरीदा है। तो कीज यहां पर कोई मायने नहीं रखती है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, ये डिपेंड करता है कि आपने कीबोर्ड कौन सा लिया है। ओके, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की, वो है हमारा माउस। माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। एक नॉर्मल माउस में केवल दो ही बटन हमें मिलेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। बीच में हमें एक स्क्रॉल करने के लिए एक व्हील मिलता है जिसे आगे पीछे करने पर हम पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज के समय में आपको काफ़ी अलग अलग तरह के माउस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे गेमिंग माउस। गेमिंग माउस में आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बटन यहाँ पर साइड में मिल जाएंगे जिनसे आप क्या कर सकते हैं, गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल माउस के अंदर आपको केवल दो ही बटन दिखाई देंगे, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, और बीच में आपको स्क्रॉल करने के लिए एक व्हील दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स माउस भी दो तरह के आते हैं, वायर्ड माउस और वायरलेस माउस, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, यह है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। और इसे इनपुट डिवाइस में क्यों रखते हैं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे होते हैं तो यहाँ से आप जो भी बटन प्रेस करते हैं आपका गेम उसी हिसाब से कंट्रोल होता है। तो जब आप बटन प्रेस करते हैं तो कमांड इन्फॉर्मेशन यानी कि सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट के पास जाते हैं यानी CPU में जाते हैं। तो जो भी डिवाइस डेटा को सिग्नल्स को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं वो उन्हें किस में रखते हैं, हम इनपुट डिवाइस में रखते हैं। तो जॉयस्टिक भी क्या कर रहा है, डेटा और सिग्नल्स को कहाँ भेज रहा है, कंप्यूटर में भेज रहा है। और इसका यूज़ कब किया जाता है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है फ्रेंड्स, वो है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ करके आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका यूज़ ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। आपने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने वाले यूट्यूब चैनल देखे होंगे, उनके पास एक डिजिटल बोर्ड होता है यानी उस बोर्ड पर वो डायरेक्ट लिखते हैं तो वो जो भी लिखते हैं वो छपता जाता है। तो लाइट पेन भी कुछ इसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहा है इमेज में एक टैबलेट है, इस टैबलेट पर चाहे तो डायरेक्ट ड्राइंग की जा सकती है, जो भी ड्राइंग करेंगे वो डायरेक्ट छपती जाएगी। तो एक पेन होता है जिसका यूज़ करते हुए लिखा जाता है। तो इसे इनपुट डिवाइस में क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम पेन से लिखते हैं तो इन्फॉर्मेशन डेटा सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं, तभी तो ड्राइंग हो पाती है।
इसलिए इसे इनपुट डिवाइस में रखा जाता है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा इनपुट डिवाइस वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस की तरह ही दिखाई देता है, बट इसके अंदर बीच में स्क्रोल व्हील की जगह एक बॉल लगी होती है, और ये बॉल को जब आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो ये आपका जो माउस का पॉइंटर है ये मूव करता है, और इसे एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो और बाकी काम तो इसका माउस के जैसा ही होता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा, वह है स्कैनर। देखिए नाम से पता लग रहा है, स्कैन करने वाला। तो इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फोटो को, किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में स्कैन करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करा जाता है, डॉक्यूमेंट को रख दिया जाता है, इसके बाद इसका जो ढक्कन है इसे लगा दिया जाता है, इसके बाद कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी फोटो है वो स्कैन होकर कंप्यूटर में आ जाता है। तो देखिए डाटा बाहर से कहाँ गया है, कंप्यूटर के अंदर गया है। देखिए कोई फ़ोटो आपने इसमें रखा, तो फोटो क्या था, हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में था, और जैसे ही फ़ोटो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर गया, कंप्यूटर के अंदर गया, और एक सॉफ्ट फाइल बन गई। तो डेटा बाहर से अंदर गया, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस में रखा गया, क्योंकि ये भी तो वही कर रहा है, डेटा को कहाँ भेज रहा है, कंप्यूटर में भेज रहा है, इसलिए स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। और इसका काम क्या है, फोटो या किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा ग्राफिक्स टैबलेट। अब ग्राफिक्स टैबलेट का काम क्या होता है, ग्राफिक्स टैबलेट का काम होता है कि यहाँ पर देखिए आपको एक टैबलेट दिखाई दे रहा है, इस टैबलेट के साथ एक पेन आता है, तो जो भी किसी को लिखकर एक्सप्लेन करना होता है तो वो इस टैबलेट पर लिखता है और कंप्यूटर में वो चीज़ छपती जाती है। जैसा कि मैं अभी आपको शुरुआत में वो जो डायग्राम समझा रहा था, यानी सीपीयू का इंटरनल प्रोसेस समझा रहा था, तो मेरे पास भी एक ग्राफिक्स टैबलेट है और मैं उस टैबलेट पर लिखता जा रहा था, और जो मैं लिखते जा रहा था वो आपको भी दिखते जा रहा था, आप क्या कर रहे थे, इसको देख पा रहे थे जो भी मैं आपको लिखकर समझा रहा था। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है, और ये ऑटोमेटिक इसके साथ एक यूएसबी केबल आती है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, और जो भी हम इस पर लिखते हैं वो कहाँ जाता है, सीधे कंप्यूटर के अंदर जाता है, और जिस सॉफ्टवेयर में हम लिख रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर में छपता जाता है, यानी टाइप होता जाता है। तो ये होता है हमारा ग्राफिक्स टैबलेट, इसे एजुकेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मेरे पास भी ग्राफिक्स टैबलेट है जिसकी हेल्प से मैं आपको कोई भी चीज़ लिखकर एक्सप्लेन कर पाता हूँ। इनपुट डिवाइस में क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम इस पर लिखते हैं तो डेटा कहाँ जाता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, वो है हमारा माइक्रोफोन यानी माइक। माइक को इनपुट डिवाइस में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम माइक में बोलते हैं तो जो वॉइस है वो एज ए इन्फॉर्मेशन बाहर से कहाँ गई है, कंप्यूटर के अंदर गई है, और कंप्यूटर में अंदर जाके स्टोर हो गई है। तो माइक क्या कर रहा है, डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में अंदर भेज रहा है ना, इसलिए माइक को इनपुट डिवाइस में रखा गया है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजर, यानी MICR। तो MICR की फुल फॉर्म क्या है, कई बार आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जिसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या जो भी इंटरव्यू के अंदर MICR के बारे में पूछा जा सकता है, या इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, और होता क्या है MICR, MICR एक इनपुट डिवाइस होता है। सबसे पहले तो इमेज इसलिए अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे गूगल पर इसकी कोई फ्री इमेज नहीं मिली है जिसे मैं वीडियो में यूज़ कर सकूं। तो आपको क्या करना, अगर MICR देखना हो तो आप गूगल पर जस्ट सर्च कर लेना MICR, आपको काफ़ी सारी इमेज दिख जाएगी, बट वो फ्री नहीं थी इसलिए मैंने अपने वीडियो में यूज़ नहीं करी है। तो MICR का काम क्या होता है, ये आपको बैंक में देखने के लिए मिलेगा। इसका काम होता है चेक को रिकॉग्नाइज करना। तो ये क्या करता है, चेक को चेक करने के लिए यूज़ में लाया जाता है कि क्या चेक ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो MICR आपको बैंक में देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका काम होता है चेक को वेरीफाई करना। और चेक को वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करता है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के बाद चेक की इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजता है, कंप्यूटर में भेजता है, और कंप्यूटर में मिलाकर चेक किया जाता है, तो चेक वेरीफाई हो जाता है। तो डेटा बाहर से कंप्यूटर के अंदर गया है, इसलिए MICR को इनपुट डिवाइस के अंदर रखते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यानी OCR। तो OCR की भी इमेज अवेलेबल नहीं थी जो कि फ्री हो और जिसे मैं अपने इस वीडियो में यूज़ कर सकूं। अगर आपको OCR देखना हो तो आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपको काफ़ी सारी इमेज मिल जाएगी, या आप अमेज़ोन पर भी सर्च कर सकते हैं OCR, वहाँ पर भी आपको OCR की इमेज मिल जाएगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि OCR दो तरह के होते हैं, एक होता है छोटा पेन जैसा पेन होता है हमारा, या मार्कर होता है इस तरह का होता है, और एक OCR होता है प्रिंटर के जैसा। अब काम क्या होता है OCR का, देखिए प्रिंटर वाला अगर OCR है, मतलब प्रिंटर जैसा दिखने वाला अगर एक OCR है, तो उसके अंदर अगर आपने किसी बुक को रख कर स्कैन किया, तो स्कैन करने के बाद उसमें जो भी लिखा हुआ है ना, वो करेक्टर वाइज करेक्टर पूरा के पूरा कंप्यूटर में आ जाएगा, और उसे एडिट किया जा सकता है।
मतलब जो भी बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज कंप्यूटर में चला जाएगा, और किस फॉर्मेट में जाएगा, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, जिसे आप एडिट कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, पुरानी बुक्स से जिन्हें लिखा गया है उन्हें अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो OCR की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लेटर को वापस से टेक्स्ट में बदलने के लिए OCR का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, एक टाइप का OCR और आता है जो कि पेन जैसा या मार्कर जैसा दिखाई देता है। ये OCR अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक के अंदर एक एक लाइन के ऊपर OCR को फेरना पड़ेगा, तो एक एक लाइन कंप्यूटर के अंदर जाके टाइप होती जाएगी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपको लाइन बाय लाइन क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, एक बुक है उसमें लिखा हुआ है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, तो आपको उसके ऊपर ऐसे फेर देना है। जैसे आप बुक के ऊपर अपना मार्कर जैसा OCR फेरेंगे तो जो भी उस बुक में लिखा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा और टेक्स्ट फॉर्मेट में बदल जाएगा। स्कैनर और OCR में अंतर है। स्कैनर क्या करता है, उसे वॉलपेपर फॉर्मेट में यानी पिक्चर फॉर्मेट में सेव करता है, किसको, फोटो को या बुक में जो भी आपने लिखा हुआ है उसको फोटो फॉर्मेट में सेव करेगा और उसको एडिट नहीं किया जा सकता। लेकिन OCR क्या करेगा, उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करेगा, तो जो भी बुक में लिखा हुआ है उसे एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली बुक है जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करना है, एडिटिंग करनी है। अगर आपने स्कैनर से स्कैन किया तो वो फोटोकॉपी बन जाएगी, यानी उसको एडिट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपने उसको OCR से स्कैन किया तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें एडिट किया जा सकता है स्कैन करने के बाद, किससे, अगर आपने OCR से उन्हें रीड कराए तो। ओके, तो आपको समझ में गया OCR का काम क्या है। आप एक बार गूगल पर इसकी इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे तो आप अमेजोन पे भी देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा, वो है बारकोड रीडर। ये वाला इनपुट डिवाइस आप सभी ने शॉपिंग मॉल में देखा होगा। ये क्या करता है, प्रोडक्ट की बिलिंग करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो अगर आपने शॉपिंग मॉल वगैरह या किसी ब्रांडेड शोरूम के अंदर शॉपिंग करी है तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड लिखा होता है, उस बारकोड के अंदर उस प्रोडक्ट की प्राइस छुपी होती है। तो इस मशीन से क्या करते हैं, उस कोड को रीड करते हैं और उस कोड पर जो भी प्राइस होती है वो ऐड होती जाती है। फाइनल जब लास्ट में सभी प्रोडक्ट के बार कोड को स्कैन कर लिया जाता है तो हमारे सामने बिल जनरेट होकर आ जाता है। तो इस तरह से बार कोड रीडर क्या करता है, टाइम को बचाता है। तो फ्रेंड्स, बार कोड रीडर का यूज़ करके बिलिंग वगैरह का काम किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब ऑप्टिकल मार्क रीडर के अंदर एक मशीन आती है जिसका नाम है OMR मशीन। देखिए, OMR मशीन का काम होता है OMR शीट को चेक करना। अब OMR शीट क्या होती है, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपको मालूम होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपको एक शीट मिलती है जिसे OMR शीट बोलते हैं, और उस शीट के अंदर आपको के नीचे जो आपको 4 सर्कल दिए गए हैं और जो भी सही आंसर है उसको आपको ब्लैक पेन से फिल करना होता है। अब ये OMR शीट OMR मशीन से चेक करी जाती है। अब OMR मशीन काम कैसे करती है, कैसे वो इस शीट को चेक करती है, कि जो भी सही क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में पूछे गए उनका जो भी सॉल्यूशन है उन्हें पहले ही किसी सॉफ्टवेयर में सॉल्व करके रखा जाता है और उस सॉफ्टवेयर से OMR मशीन को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब शीट को उस OMR मशीन पर रखा जाता है तो एक लेज़र लाइट निकलती है और वो जिस भी ब्लैक करे हुए सर्किल से टकराती है तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो भी सही आंसर है वो आपकी शीट से मैच होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर लेज़र लाइट टकराती है वहाँ पर चेक कर लिया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, और अगर वो मैच कर जाता है कंप्यूटर में जो भी सही सॉल्यूशन है तो क्वेश्चन का मार्क्स जुड़ जाता है, अदरवाइज माइनस मार्किंग में चला जाता है। ये सब काम किस में किया गया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो जैसे कि जेरोक्स मशीन काम करती है, अगर आपने जेरोक्स मशीन से जेरोक्स करी तो आपने देखा होगा जहाँ भी लिखा होता है वहाँ पर लेज़र लाइट टकराती है, एक लेज़र लाइट निकलती है ना, आपने जेरोक्स मशीन में देखा होगा। तो जहाँ भी लिखा हुआ है ना वहाँ लेज़र लाइट टकराती है और वही चीज़ नए वाले पेपर पर प्रिंट हो जाती है जिस पर आपने जेरोक्स निकाली है। तो जेरोक्स मशीन जिस पैटर्न पे काम करती है ना उसी पैटर्न पर ऑप्टिकल मार्क रीडर वाली मशीन भी काम करती है, तभी तो ब्लैक पेन से फिल करने के लिए बोला जाता है। तो जो व्हाइट वाला एरिया है ना वहाँ से तो लेज़र लाइट आर पार निकल जाती है और जो ब्लैक कलर से फिल किया गया है वहाँ पर टकराती है और कंप्यूटर के साथ मैच करके देखा जाता है। तो इस तरह से OMR मशीन काम करती है। और फ्रेंड्स, ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर वाला कंसेप्ट है इसे और कहीं भी यूज़ किया जाता है, जैसे ATM कार्ड पर। ATM कार्ड पर आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है, उस पट्टी के अंदर आपके ATM कार्ड का कोड छुपा होता है, और जब इस ATM कार्ड को आप स्वैप मशीन पर स्वैप करवाते हैं तो जो आपका कार्ड है उसका जो नंबर है उसे स्वैप कर लिया जाता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर वाला कंसेप्ट वहाँ भी काम करता है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि OMR मशीन को इनपुट डिवाइस में क्यों रखा।
देखिए OMR मशीन का काम क्या है, OMR शीट को चेक करना। और शीट चेक होने के लिए यानी शीट का डाटा चेक होने के लिए कहाँ जाता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है ना, तभी तो सॉफ्टवेयर से मैच करके देखा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत। तो अंदर जा रहा है ना डेटा, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस में रखा गया। और इनपुट डिवाइस क्या, जो भी डेटा को कंप्यूटर में भेजने का काम करते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर भी तो डेटा को कहाँ सेंड कर रहा है, कंप्यूटर में, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस में रखा। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारे थे इनपुट डिवाइस। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। तो देखिए आउटपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहले हम रखते हैं मॉनिटर को। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर पर डेटा का क्या आता है, रिजल्ट आता है, डेटा रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है। मॉनिटर जनरली यहाँ पर चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टाइप के पुराने टाइप के मॉनिटर है वो है हमारे कैथोड रे ट्यूब यानी CRT मॉनिटर। CRT की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दी है कैथोड रे ट्यूब। तो ये वाले जो मॉनिटर थे जो टीवी के जैसे दिखाई देते थे, इन्हें CRT मॉनिटर कहा जाता था। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप के मॉनिटर आए जिसका नाम है TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये वाले मॉनिटर बिल्कुल फ्लैट होते थे, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते थे। इसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आई मॉनिटर में जो कि दिखने में तो ऐसी लगेगी TFT जैसी, बट उसका नाम है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और यहाँ पर जो पिक्चर की क्वालिटी थी वो काफ़ी इंप्रूव हो गई। इसके बाद देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में मॉनिटर के अंदर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है जिसका नाम है LED लाइट एम्बिटिंग डायोड। लाइट एम्बिटिंग डायोड वाले जो मॉनिटर हैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा कम कंज्यूम करते हैं और यहाँ पर पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव कर दी गई है। हाई रेजोल्यूशन में आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई देती है, कोई भी इमेज दिखाई देती है, और यहाँ पर पिक्सल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो अभी प्रेजेंट टाइम की टेक्नोलॉजी है LED। ओके, तो ये चार तरह के मॉनिटर होते हैं और मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस में रखा जाता है, आपको ये सब याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस क्यों है, इस चीज़ को समझते हैं। मान लो आपने इनपुट डिवाइस से यानी माउस से एक फाइल को ओपन किया, कंट्रोल यूनिट ने मॉनिटर की स्क्रीन पर उस फाइल को ओपन करा हुआ दिखा दिया। अब आप क्या करें, फाइल मेन्यू में गए और आपने प्रिंट कमांड दिया, तो कंट्रोल यूनिट को पता चला कि यूज़र क्या चाहता है, प्रिंट निकालना चाहता है। तो उसने अब क्या करेगा, अब उसने प्रिंटर को एक्टिवेट करा, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम है प्रिंट निकालना, जो भी सॉफ्ट कॉपी डाटा कंप्यूटर में उसे हार्ड कॉपी डाटा के रूप में पेपर पर प्रिंट कर देना। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि जो भी रिजल्ट आ रहा है इस बार, अगर उस रिजल्ट को पेपर पर प्रिंट करना है तो मॉनिटर नहीं करेगा इस काम को, इस काम को प्रिंटर करेगा, इसलिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो प्रिंटर प्रिंट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। अब प्रिंटर भी अपने आप में एक चैप्टर है जिसे मैं आपको आगे चल के किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि प्रिंटर के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जिसे मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊंगा। ओके, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है हमारा, वो है प्लॉटर। अब प्लॉटर का काम होता तो प्रिंटर जैसा ही है, प्रिंटर करना, बट ये क्या करता है, बड़े चित्र को प्रिंट करता है। प्रिंटर तो छोटे चित्र को प्रिंट कर सकता है, ये बड़े चित्र को प्रिंट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। तो कोई भी इमेजेस, वॉलपेपर, अगर आपको प्रिंट करने, जैसे आपने देखेंगे होर्डिंग्स प्रिंट होते हैं प्रिंटिंग मशीन पर, फ्लैग्स बैनर वगैरह प्रिंट होते हैं या पोस्टर प्रिंट होते हैं, तो वो प्रिंटर्स तो हो नहीं सकते, तो उन्हें प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। तो जो प्रिंटिंग मशीन होती है वो प्लॉटर ही होती है। ये आप समझ सकते हैं कि एक तरह का प्रिंटर है, बट साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी बड़े लेवल पर प्रिंट कर सकता है। ठीक है, और ये आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि ये भी तो क्या कर रहा है, जो भी कंप्यूटर में प्रिंट है उसे एज ए आउटपुट के रूप में एक बड़े पेपर पर प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है हमारा स्पीकर और हेडफोन। स्पीकर आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में मान लो आपने कोई सॉन्ग को प्ले करा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी आवाज़ कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है ना, यानी डेटा कंप्यूटर से कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। और ऐसे डिवाइस जो डेटा को रिजल्ट के रूप में शो करते हैं, यानी डेटा कहाँ आता है, रिजल्ट के रूप में बाहर आता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप अभी इस वीडियो के अंदर आवाज़ को सुन पा रहे हो, यानी इन्फॉर्मेशन सुन पा रहे हो, किसकी हेल्प से, स्पीकर की हेल्प से। तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होते हैं, स्पीकर ही होते हैं ना। अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है हमारा प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसका काम क्या होता है, जो भी पिक्चर या इमेज है उसे बड़े रूप में प्रदर्शित करना। तो आपने प्रोजेक्टर वगैरह देखा होगा और आउटपुट डिवाइस है एक हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे डिवाइस है जिन्हें इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में रखा जाता है। उनमें से सबसे पहला आता है मोडेम। देखिए मोडेम आपने किसी साइबर कैफे में या आपके पास हो सकता है, आपके घर पर आपके पास मोडेम हो। तो देखिए मोडेम का काम क्या होता है, इंटरनेट को आपके कंप्यूटर तक पहुंचाना। तो जब ये इंटरनेट को आपके कंप्यूटर पे पहुंचा रहा है तो क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है।
और जब आप अपने कंप्यूटर से कुछ सेंड कर रहे हैं किसी दूसरे को, तो यही मोडेम से होता हुआ आपका डेटा दूसरे के पास जाएगा, तो ये क्या करेगा, आउटपुट भी करता है। इसलिए इसे इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में रखा जाता है, ठीक है। तो USB वाला छोटा वाला मोडेम भी आता है जिसे डोंगल कहा जाता है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट डिवाइस है जिसे इनपुट और आउटपुट दोनों में रखा जाता है, वो है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन वाला अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो उसमें क्या होगा, आपके मॉनिटर पर लैपटॉप का जो स्क्रीन है उस पर आप टच कर सकते हो। तो जब आप टच करोगे तो इनपुट हो रहा है और उसी पर वापस क्या हो रहा है, रिजल्ट यानी आउटपुट आ रहा है। तो इसलिए उसे इनपुट और आउटपुट दोनों में रखा गया है। मोबाइल को भी इनपुट और आउटपुट दोनों में रखा गया है, स्मार्ट वॉच को भी इनपुट और आउटपुट दोनों में रखा गया है, क्योंकि इनपुट जब हम टच करते हैं तो इनपुट होता है और वापस रिजल्ट भी किस पर आता है, उसी स्क्रीन पर आता है। इसलिए टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों में रखा जाता है। ओके फ्रेंड, तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और ये जो आज हमने डायग्राम समझा है ये सीपीयू के इंटरनल प्रोसेस का डायग्राम है। तो फ्रेंड्स देखिए, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी का मतलब क्या होता है। मेमोरी का मतलब होता है याद रखना, ओके। तो कंप्यूटर के अंदर जी देखिए मेमोरी का काम क्या होता है, याद रखने के लिए, यानी आप क्या याद रखने के लिए उसे हमें समझना है। तो यदि हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर वह इलेक्ट्रॉनिक एरिया जहाँ पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, चाहे वो वर्किंग के लिए हो चाहे फ्यूचर यूज़ के लिए हो। तो कंप्यूटर के अंदर वह इलेक्ट्रॉनिक एरिया जहाँ पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है, ओके। तो कंप्यूटर मेमोरी को हम यहाँ पर दो पार्ट में बांटते हैं, एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ओके फ्रेंड्स, तो हम मेमोरी को कितने पार्ट्स में बांटते हैं, दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है और इसके अंदर हम दो मेमोरी को रखते हैं, एक है हमारी रैम और एक है हमारी रोम। तो ये दोनों मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में देखिए क्या क्या आता है, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद आता है हमारा CD, DVD और देख लीजिए SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, और आता है हमारा USB मेमोरी स्टिक। तो ये सब क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। अब प्राइमरी मेमोरी जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और इसके अंदर हम रैम और रोम को रखते हैं। अब रैम का देखिए पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का जो पूरा नाम है वो है रीड ओनली मेमोरी, ओके। अब इन दोनों में मैं आपको कंपेयर भी करके बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों का काम क्या है। ये तो हमें पता लग गया कि रैम और रोम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। अब अगर हम काम की बात करें कि दोनों मेमोरी का काम क्या है तो उसे हम डिफरेंस वाइज समझते हैं। अब अगर हम रैम की बात करें तो रैम का काम क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो, कंप्यूटर में जो भी रनिंग प्रोसेस चल रही है वो सब कहाँ से चल रही है, रैम से चल रही है। यानी अगर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीडियो भी अगर रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे लैपटॉप पर तो वो कहाँ से चल रही है, अभी रैम से चल रही है। तो सबसे पहले होता क्या है वो चीज़ समझिए, जब कंप्यूटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है और आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी विंडोज इंस्टॉल्ड है वो विंडोज़ जाकर लोड हो जाती है कहाँ पर, रैम पर। यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया तो आप जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चलाओगे वो सभी कहाँ से चल रहे होंगे, आपकी रैम मेमोरी से चल रहे होंगे। अब मान लीजिए कि आपने क्या करा, अपना कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद एक MP3 सॉन्ग को प्ले करा, तो वो MP3 सॉन्ग जिस भी प्लेयर में चल रहा होगा वो प्लेयर कहाँ लोड होगा, रैम के अंदर, ओके। तो वो प्लेयर कहाँ लोड है, रैम में। MP3 सॉन्ग कहाँ चल रहा है, उस प्लेयर के अंदर। और अचानक क्या हुआ कि लाइट चली गई और आप डेस्कटॉप पर MP3 सॉन्ग को सुन रहे थे उस डेप, और वो डेस्कटॉप किसी भी UPS किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं था, यानी पूरी तरह से आपका कंप्यूटर बंद हो चुका है। मैं यहाँ पर लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, लैपटॉप में बैटरीज होती हैं, ओके। तो लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक लैपटॉप बैटरी पे आता है और मान लीजिए बैटरी भी डेड है और अगर आप चार्जर से डायरेक्ट अपने लैपटॉप को चला रहे हैं तो लाइट जाने की कंडीशन में यानी पावर कट होने की कंडीशन में आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो होगा ये कि जो प्लेयर में आपका सॉन्ग चल रहा था ना वो प्लेयर भी रुक जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जब लाइट वापस आएगी तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को दोबारा से स्टार्ट करते हो तो होगा ये कि आपको सॉन्ग दोबारा से प्ले करना पड़ेगा, आपने जहाँ तक उसको सुन लिया था ना वो वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है, नॉट ओनली सॉन्ग की अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो अगर अचानक पावर कट हो जाता है,
मैं यहाँ पर लैपटॉप्स की बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बैटरी होती है, और अगर बैटरी नहीं है तो देखिए कंडीशन सेम डेस्कटॉप वाली बन जाती है, अगर डेस्कटॉप को आपने किसी यूपीएस बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा तो। अगर आप गेम प्ले कर रहे हो, अचानक पावर कट हो गया ना, तो आपको गेम दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, गेम आपने जहाँ तक छोड़ा था आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये गेम प्ले दोबारा क्यों करना पड़ता है, तो यही एग्जांपल हमें समझना है। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, जो भी गेम चला रहे हैं, वो सब कहाँ से चल रहा है, रैम से चल रहा है। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि कंप्यूटर के अंदर रैम का काम क्या है, कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहले जाकर लोड हो जाता है रैम के अंदर, उसके बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं ना, वो सब कहाँ से चल रहा है, रैम से। अब गेम अगर आप खेल रहे हैं तो वो भी कहाँ पर लोड है, रैम में लोड है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वो भी रैम में लोड है। आप MP3 सॉन्ग सुन रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अचानक पावर कट होता है तो रैम अपना काम करना बंद कर देती है, और रैम अपना काम करना बंद करती है तो जो भी डेटा उसके अंदर है वो डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। इस वजह से रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी है। आपको इस बात को यहाँ पर नोट करना है कि रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी है, और रैम टेम्प्रेरी मेमोरी क्यों है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इसमें डेटा तब तक ही स्टोर रहता है जब तक इसे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद होती है, ये रैम भी काम करना बंद कर देती है, और जो भी इसके अंदर लोड है वो सब इरेज हो जाता है। इसलिए रैम कैसी मेमोरी है, टेम्प्रेरी मेमोरी है। अब यहाँ पर रैम के लिए एक वर्ड और यूज़ होता है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी भी इसीलिए है क्योंकि ये डेटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रख सकती। जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तब तक रैम के अंदर डेटा अवेलेबल रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी रैम भी अपना काम करना बंद कर देगी, इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो कई बार आपसे एग्जाम्स में, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रैम कैसी मेमोरी है, और ऑप्शंस में आपको दे दिया जाएगा वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल या कोई अदर ऑप्शंस भी। तो आपको याद रखना है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, और इसे टेम्प्रेरी मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, टेम्प्रेरी क्यों है वो भी आप समझ चुके हैं। अगर रैम एंड रोम में डिफरेंस देखें तो रोम क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। अब ये रोम परमानेंट मेमोरी क्यों है, तो उससे पहले हमें रोम का काम समझना पड़ेगा। रैम का काम तो हमें समझ में आ गया कि जो भी हम कंप्यूटर में चलाते हैं वो रैम में जाकर लोड हो जाता है, वो भी कब तक, जब तक कंप्यूटर चालू है, कंप्यूटर वर्किंग मोड में है तब तक रैम काम कर रही है। जैसे कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं रैम भी अपना काम करना बंद कर देती है, ठीक है। पर रोम का काम क्या होता है, रोम एक परमानेंट मेमोरी है। रोम का काम है जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो एक बूटिंग की प्रोसेस चलती है। आपने देखी होगी थोड़ी देर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में लेता है, भले ही आपने SSD लगा रखी हो आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ जो सेकंड्स आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में लेता है उस दौरान एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है बूटिंग की प्रोसेस, बूटिंग प्रोसेस, ओके। यानी कंप्यूटर बूट होता है, तो कंप्यूटर बूट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि रोम के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर के समय रोम के अंदर इंस्टॉल्ड कर दिया गया है, और उस प्रोग्राम का काम क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो आप नोटिस करना कि क्या आपको उस प्रोग्राम को रोज़ रोम में स्टोर करना पड़ता है खुद को, आपको तो नहीं करना पड़ता ना, आप तो सिर्फ कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो रोम के अंदर क्या हुआ है, एक प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल कर दिया गया है, तो रोम कैसी मेमोरी हुई, परमानेंट मेमोरी हुई ना, क्योंकि हमें रोज़ कंप्यूटर चालू करने के लिए रोम के अंदर पहले प्रोग्राम नहीं डालना पड़ता, वो पहले से फीड है। जब आपने कंप्यूटर ख़रीदा है तो जो मैन्युफैक्चरर है, जिसने कंप्यूटर को बनाया है, जिस भी कंपनी का कंप्यूटर है, उसने क्या करा है, रोम के अंदर पहले एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया है, उसने बता दिया है कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है रोम को। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी विंडोज़ आपने डाली हुई है कंप्यूटर के अंदर, वो रैम पर जाके शिफ्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले रोम काम करती है, फिर रैम काम करती है, ओके। रैम शुरुआत में काम नहीं करती, पहले रोम काम करती है, फिर उसके बाद कंप्यूटर बूट हो जाता है तो सब कुछ रैम पर जाके शिफ्ट हो जाता है, ऐसे आपको याद रखना है। तो रोम एक परमानेंट मेमोरी है क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पहले से प्रोग्राम स्टोर है जिसे हमें बदलना नहीं पड़ता है, और ये सब परमानेंटली है, इसलिए रोम एक परमानेंट मेमोरी जबकि रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी, आपको याद रखना है, ओके। अब रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसके अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें रैम और रोम में, तो रैम के अंदर आप रीड एंड राइट दोनों तरह का काम कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, रैम के अंदर बात कर रहा हूँ। रीड एंड राइट दोनों तरह का काम हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा कम लिखूँगा और आपको समझाऊँगा ज़्यादा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप सुनने के बाद अपने नोट्स बनाना,
ओके, जो अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से ईयरफोन लगा के सुनना, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखूँगा थोड़ा कम। तो रैम के अंदर मैं आपको बता रहा था कि रैम के अंदर आप रीड एंड राइट दोनों तरह का काम कर सकते हैं, जबकि रोम में केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इस बात को देखिए, समझाता हूँ मैं आपको, मेरे कहने से नहीं होता ये, क्योंकि ये पहले से तय किया गया है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मैंने आपको क्या बोला, रैम के अंदर रीड एंड राइट दोनों तरह का काम किया जा सकता है। अब क्यों किया जा सकता है रीड एंड राइट, क्यों ये रीड एंड राइट टाइप की मेमोरी है, क्योंकि देखिए अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसे जब मैंने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करा होगा तो उस समय मैं इसे देख भी पा रहा होऊंगा। और ये सब देखिए अभी मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, तो ये मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ से चल रहा है, रैम से चल रहा है। और रैम कैसी मेमोरी है, रैम एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम रीड एंड राइट दोनों तरह का काम कर सकते हैं। ये मैं आपको दूसरा डिफरेंस बता रहा हूँ। अब रीड मतलब मैं इसे पढ़ भी पा रहा हूँ जो भी यहाँ लिखा हुआ है, और राइट मतलब अगर मैंने कुछ लिखा तो मैं राइट भी कर पा रहा हूँ। तो रैम में रीड एंड राइट दोनों तरह का प्रोसेस संभव है, यानी आप जो भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं वो रैम में ही लोड है, और अगर वो रैम में लोड है तो रैम कैसी मेमोरी है जिसमें आप रीड एंड राइट दोनों तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसका डिफरेंस हम रोम के साथ देखें, तो रोम केवल रीड ओनली मेमोरी, देखिए नाम से पता लग रहा है रीड ओनली मेमोरी, यानी आप केवल पढ़ सकते हैं, यानी रोम के अंदर सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इस बात को ऐसे समझिए, जिस समय कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो रहा होता है उस समय कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी लिखा आ रहा है उसे केवल आप पढ़ सकते हैं। आपके मदरबोर्ड के इंस्ट्रक्शंस लिखे आते हैं या साइड में कि F1 दबाने से क्या होगा, डिलीट बटन दबाने से क्या होगा, F12 दबाने से क्या होगा, मतलब बूट मेन्यू कैसे खुलेगा, ये सब लिखा आता है, ठीक है। थोड़ी सी वेलकम स्क्रीन आती है, अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल्ड है तो उसकी वेलकम स्क्रीन आती है। तो उस दौरान के क्या आप कुछ लिख सकते हैं, आपने नोटिस करा कभी कि जिस समय कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो रहा है उस समय केवल आपको बैठकर प्रतीक्षा करनी होती है कि कंप्यूटर कब पूरी तरह से स्टार्ट होगा, यानी केवल आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और रीड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस कहाँ से हो रहा है, रोम की वजह से हो रहा है। इसलिए रोम कैसी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, यानी उसमें जो पहले से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है वो अपना काम कर रहा है, और उस दौरान आपको केवल बैठकर वेट करना है कि जब तक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी रोम काम कर रही है और रोम के अंदर केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता, ओके। तो यही डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस हमने यहाँ पे डिस्कस करा, रीड एंड राइट वर्क रैम में किया जा सकता है और इसमें केवल रीड किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको रैम से रिलेटेड एक बात और बता देता हूँ कि आपके कंप्यूटर में जितनी अच्छी कैपेसिटी की रैम लगी होगी आपका कंप्यूटर उतना अच्छा काम करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जितने ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर या आप गेम प्ले वगैरह करते हो वो अगर आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो तो उसके लिए आपको रैम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपके कंप्यूटर में अच्छी कैपेसिटी वाली रैम लगी होगी। वैसे तो रैम को अगर डिटेल में पढ़ना है तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं रैम के अंदर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ आपको वही बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो रैम है ना ये भी दो तरह की होती है, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एक एस रैम है, एक डी रैम है। वैसे तो फ्रेंड्स ये देखिए, एस रैम डी रैम के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स का पार्ट है, लेकिन हम जो सीख रहे हैं वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए आपको ये बताता हूँ कि देखिए एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। अब एस रैम का यूज़ कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है, ये कॉस्टली मेमोरी होती है, ठीक है, और इसे अपग्रेड नहीं कर सकते हम। लेकिन डायनेमिक रैम जो होती है ये एस रैम के मुकाबले सस्ती मेमोरी होती है, ओके। इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं और इसका यूज़ हम कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है ना नॉर्मल रैम उसके रूप में करते हैं। अभी मैं आगे चल के आपको कैश मेमोरी के बारे में भी बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एस रैम का यूज़ कैश मेमोरी में कैसे किया जाता है, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स अगर हम रोम की बात करें तो रोम के भी कुछ टाइप होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ओके। तो ये क्या है रोम के टाइप। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रोम का यूज़ केवल कंप्यूटर में नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है, क्योंकि एक तरीके की चिप होती है और इसके अंदर प्रोग्रामिंग की जा सकती है और किसी भी डिवाइस से काम करवाया जा सकता है। जैसा कि देखिए वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है रोम चिप लगी होती है, और वहाँ पर क्या होता है वॉशिंग मशीन में ऐसी प्रोग्रामिंग की गई होती है रोम चिप के अंदर, यानी ऐसा कोड डाला हुआ है कि उसको ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि कपड़े जो हैं वो वॉश हो चुके हैं और अब इसे स्टॉप कर देना है।
ऐसे देखिए रोम का यूज़ माइक्रोवेव में भी किया जाता है। माइक्रोवेव में भी रोम चिप का यूज़ करके उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि माइक्रोवेव को पता लग जाता है कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है और माइक्रोवेव को आप बंद कर देना है। तो ये सब काम के लिए भी हम रोम का यूज़ करते हैं। तो इनमें से देखिए रोम काफ़ी टाइप की होती है और यहाँ पर रोम को अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग डिवाइस के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर जानना है आपको तो कंप्यूटर हार्डवेयर का वैसे तो ये पार्ट है और इसके बारे में आपको डीपली कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जानने के लिए मिलेगा और हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास मेमोरी के अंदर जो सेकंड टाइप की मेमोरी है वो है सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखा जाता हो कभी भी फ्यूचर यूज़ के लिए, वो मेमोरी कहलाती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। देखिए यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा, मतलब आप बैकअप पर्पज़ से या एक्स्ट्रा डेटा को आप खुद से स्टोर नहीं कर सकते। रोम परमानेंट मेमोरी ज़रूर है बट आप तो स्टोर नहीं कर सकते ना, रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस रोज़ चेंज तो नहीं कर सकते ना, और ऐसे रैम के अंदर भी हम कुछ अपनी इच्छा से स्टोर करके परमानेंट नहीं रख सकते। तो ये तो है प्राइमरी। अब लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के बिना आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा को परमानेंट स्टोर करके नहीं रख सकते। तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ क्या हो गया कि इस मेमोरी का यूज़ करते हुए आप अपने कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर, सबसे पहले हम बात करेंगे SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव। यानी कंप्यूटर में जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और आप नहीं जानते हार्ड डिस्क कैसी होती है तो देखिए मैं आपको इमेज में भी बताते जा रहा हूँ किस तरह की हार्ड डिस्क दिखाई देती है। इस हार्ड डिस्क के अंदर एक प्लेटर होता है और एक हेड होता है, रीड एंड राइट हेड होता है, जिसकी हेल्प से हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। डिटेल जानकारी के लिए आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करना पड़ता है। अभी मैं आपको केवल इतना बता देता हूँ कि हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब आप मूवीज़ रखिए, पिक्चर स्टोर करके रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस समय और अचानक लाइट चली जाती है यानी पावर कट हो जाता है, तो जिस भी सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर भी कहाँ पर लोड है, रैम में लोड है, और अचानक पावर कट हो जाता है तो मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा क्योंकि रैम ने काम करना बंद कर दिया है। लाइट दोबारा से आने पर मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूँगा, फिर से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद तुरंत मैंने क्या करा, उस रिकॉर्डिंग को सेव कर दिया। तो जैसे हम रिकॉर्डिंग को सेव करते हैं तो अभी जो काम चल रहा है मान लो वो रैम पे चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी कहाँ पर, हार्ड डिस्क के अंदर। ये क्या है, हार्ड डिस्क, SSD। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई, हमारी हार्ड डिस्क में, जैसे मैंने फाइल को सेव कर दिया रिकॉर्डिंग की। अब हार्ड डिस्क में जाने के बाद हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और डेटा परमानेंट स्टोर हो जाएगा, यानी रिकॉर्डिंग परमानेंट स्टोर हो जाएगी। अब भले ही पावर कट हो जाए, जैसे ही पावर दोबारा आता है तो मैं फाइल को कहाँ से एक्सेस कर लूँगा, हार्ड डिस्क में से। जैसा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, अपने अदर सॉफ्टवेयर्स को, सॉन्ग्स को, मूवीज़ को स्टोर करके रखते हैं, वैसे मैं अपनी रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर लूँगा। तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी क्यों है, आपको समझ में आ गया। ऐसे देखिए अदर सेकेंडरी मेमोरी भी हैं जिनके अंदर डेटा परमानेंट स्टोर रहता है, जैसे CD के अंदर, DVD के अंदर, इनके अंदर क्या होता है, डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। जब हमें ज़रूरत होती है हम CD लगाकर प्ले कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम DVD लगाकर भी डेटा कॉपी कर लेते हैं, DVD में अगर हमने डेटा कॉपी करके रख रखा है तो वो हम DVD से कॉपी वापस कर सकते हैं कंप्यूटर में, डेटा परमानेंट स्टोर है। ऐसी एक हार्ड डिस्क और आती है, लेकिन ये हार्ड डिस्क का एक टाइप है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD। यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर देखिए प्लेटर होता है, एक रीड एंड राइट हेड होता है, और इस हार्ड डिस्क के गिरने पर डेटा क्रैश जल्दी हो जाता है। HDD से फास्ट होती है SSD। अगर कंप्यूटर में SSD लगी हुई है तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर एक सबसे मेन बात है, वो है कि SSD HDD से महंगी होती है, इसलिए इसे तभी यूज़ करा जाता है जब हमें कंप्यूटर को थोड़ा फास्ट बनाना हो और किसी स्पेशल पर्पज़ से हम कंप्यूटर को ले रहे हैं तो हम HDD की जगह SSD का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होती है। अब कॉस्टली तो है बट फैसिलिटी क्या देती है, कंप्यूटर में जो भी आप सॉफ्टवेयर लोड करेंगे तो वो तुरंत हार्ड डिस्क से निकल कर रैम में आ जाएगा। यानी अगर वो
HDD की जगह SSD है तो फटाफट से स्टार्ट होगा और रैम में लोड हो जाएगा, जबकि SSD में टाइम लगता है। तो अगर आप कोई गेम प्ले वगैरह करते हैं या आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आप अपने कंप्यूटर में SSD लगवा सकते हैं। आप अमेजोन पे जाकर सर्च करिएगा दोनों को, SSD को और SSD को, आपको प्राइस में डिफरेंस मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। काम दोनों का एक ही है, डेटा को परमानेंट स्टोर रखना। बट जब ट्रांसफ़र की बात आती है रैम में वापस से, तो सबसे पहले SSD काम करती है, जब सबसे फास्ट काम करती है SSD। उसके बाद देखिए मेमोरी स्टिक की बात करें हम, USB मेमोरी स्टिक यानी पेन ड्राइव की बात हो रही है। अब पेन ड्राइव भी क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी, और इसके अंदर भी आप डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और पेन ड्राइव आप सब जानते ही होंगे, ऐसे एक मेमोरी कार्ड होता है जो DSLR में फ़ोन में यूज़ किया जाता है, तो वो भी क्या सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी कुल मिला के डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज़ में लाई जाती है, और इसमें डेटा परमानेंट हमेशा के लिए स्टोर रहता है जब तक कि खुद आप डिलीट ना कर दें या एक्सीडेंटली डिलीट ना हो जाए, तो डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये थी हमारी मेमोरी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक टाइप की मेमोरी और होती है जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है। तो चलिए कैश मेमोरी को भी समझिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से मेमोरी वाला चैप्टर क्लियर हो जाए। कैश मेमोरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और ये CPU की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करती है। अब देखिए इस मेमोरी का काम क्या होता है, आपको काम को ध्यान से समझना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई प्रोसेस है या कोई डेटा है जिसकी ज़रूरत बार बार CPU को पड़ रही है, तो CPU कहाँ से डेटा को एक्सेस करेगा, रैम से। यानी रैम से डेटा कहाँ जा रहा है, CPU के पास जा रहा है। और रैम के पास डेटा कहाँ से आ रहा है, या कोई प्रोग्राम है या कोई प्रोसेस है वो कहाँ से रैम एक्सेस कर पा रही है डेटा को, हार्ड ड्राइव से। तो कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है, CPU को अगर डेटा को एक्सेस करना है तो पहले उसे रैम से एक्सेस करना पड़ेगा, फिर वो रैम कहाँ से एक्सेस करेगी, हार्ड ड्राइव से। कुल मिला के CPU को इनडायरेक्टली हार्ड ड्राइव से ही डाटा को एक्सेस करना पड़ रहा है, बट पहले हार्ड ड्राइव से डेटा कहाँ जा रहा है, रैम के पास, फिर रैम से CPU के पास। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है थोड़ी स्लो हो जाती है। तो कुछ ऐसे टास्क हैं जिसे CPU के द्वारा बार बार किया जा रहा है, यानी कोई प्रोग्राम्स हैं या कोई प्रोसेस है जिसे बार बार CPU को यूज़ में लेना पड़ता है, तो वो प्रोग्राम या प्रोसेस देखिए यहाँ पर कैश मेमोरी में चले जाते हैं। अब कैश मेमोरी में कौन से प्रोग्राम और प्रोसेस जाकर स्टोर हो जाएंगे जो CPU बार बार यूज़ में लेता है, तो वो क्या करेगा, उन प्रोग्राम और प्रोसेस को रैम की जगह अपनी कैश मेमोरी में स्टोर कर लेगा, और वो डायरेक्ट कहाँ से एक्सेस कर लेगा, अपनी कैश मेमोरी से, कौन, CPU। तो उससे क्या होता है, टाइम बचता है। टाइम कैसे बचा, CPU को पहले रैम से एक्सेस करना पड़ेगा, और रैम कहाँ से एक्सेस करेगी, हार्ड ड्राइव से। तो ये जो लंबा प्रोसेस हो रहा ना, ये नहीं होगा। तो कैश मेमोरी का यूज़ क्या हो गया, जो डेटा या प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली बार बार CPU को यूज़ में लेना पड़ता है, वो डेटा या प्रोग्राम कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, कैश मेमोरी में। और कैश मेमोरी CPU के अंदर ही होती है, तो वो फटाफट से एक्सेस कर लेता है। उससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर की यानी आपके प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाती है, CPU की स्पीड बढ़ जाती है, और आपका कंप्यूटर फास्ट काम करने लगता है। तो इसलिए कैश मेमोरी जिस CPU की यानी जिस माइक्रो प्रोसेसर की कैश मेमोरी ज़्यादा होगी वो कॉस्टली आएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि CPU में किस तरह की कैश मेमोरी आती है, तो आपको क्या करना है, अमेजोन पे जाकर अलग अलग टाइप के प्रोसेसर को सर्च करना है, जनरेशन वाइज सर्च करिए, जैसे Core i7 10 कोर प्रोसेसर, Core i9, जितना आप लेटेस्ट प्रोसेसर, जितना महंगा प्रोसेसर सर्च करेंगे अमेजोन पर, तो आपको एक बात का पता लगेगा कि CPU के महंगे होने के साथ साथ उसकी कैश मेमोरी ज़्यादा आती है। यानी जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी आपका CPU उतना फास्ट काम कर पाएगा, क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी वो उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स को, डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर पाएगा और जल्दी जल्दी यूज़ कर पाएगा, उससे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो जिस प्रोसेसर के साथ कैश मेमोरी ज़्यादा आती है वो प्रोसेसर कॉस्टली आते हैं। आप अमेजोन पे सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा कैश मेमोरी वाले प्रोसेसर मिल जाएंगे। तो ये मेमोरी कॉस्टली होती है। तो मैंने आपको रैम के अंदर स्टैटिक रैम के बारे में बताया था, तो स्टैटिक रैम का यूज़ कैश मेमोरी के रूप में होता है, ये बात मैंने आपको समझा दिया था। तो कैश मेमोरी क्या होती है, एक तरह की स्टैटिक रैम होती है, इसलिए ये कॉस्टली होती है, ओके, और इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये CPU के साथ होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कैश मेमोरी, और जिसका काम क्या है वो आपको मैंने समझा दिया है, ओके। अब फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेमोरी यूनिट के बारे में बताऊंगा कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। अब फ्रेंड्स, अगर हम कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के अंदर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। यानी बिट को मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कहा गया है। एक बिट के अंदर या तो 0 आता है या 1 आता है, दोनों भी साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बन के आता है, वो है कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। इसके बाद जब 4 बिट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 निब्बल।
ये भी आपको याद रखना है, यानी 1 nibble इक्वल टू 4 bits। और इसके बाद जब 8 बिट्स या 2 निब्बल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 byte, यानी 1 byte इक्वल टू 8 bits या 2 निब्बल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अगर 1024 बाइट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 kilobyte। इसके बाद देखिए 1024 kilobyte यानी 1024 KB मिलकर क्या बनाते हैं, 1 megabyte यानी 1 MB। इसके बाद देखिए 1024 MB इक्वल टू कितना होता है, 1 gigabyte। यानी अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है जो कि 1 GB का है तो उसके अंदर आप 1024 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, क्योंकि 1 GB इक्वल टू 1024 MB। इसके बाद आता है 1024 GB मिलकर क्या बनाते हैं, 1 TB। यानी अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में 1 TB की हार्ड डिस्क है तो उस हार्ड डिस्क के अंदर आप 1024 GB तक का डेटा को स्टोर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 1 TB इक्वल टू यानी 1 TB इक्वल टू 1024 GB। अब अगर 1024 TB आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 PB यानी 1 PB। यानी 1 PB इक्वल टू 1024 TB। इसके बाद यदि 1024 PB आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 EB। इसके बाद अगर 1024 EB आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 ZB। इसके बाद अगर 1024 ZB आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 YB। और इसके बाद यदि 1024 YB आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 BW। और इसके बाद अगर 1024 BW आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 GB। यानी मेमोरी का सबसे बड़ा मेजरमेंट है ज़ीरोबाइट, सबसे छोटा बिट, सबसे बड़ा ज़ीरो। तो आपको ये याद रखना है। अब आपको इसे याद कैसे करना है, देखिए वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ये 3 तो याद कर लीजिए, उसके बाद देखिए 1024 याद करना है आपको, बस ये याद रखना है कि मेजरमेंट 1024। आपने 1 byte तक याद कर लिया, उसके बाद 1024 bytes इक्वल टू 1 KB kilobyte, शॉर्ट में याद करें KB, फिर फुल फॉर्म आपको अपने आप याद हो जाएगी kilobyte। यानी 1024 bytes मिलकर क्या बनाते हैं, 1 KB। फिर 1024 ये यहाँ से देखिए नीचे ले आइए, यहाँ से इसको नीचे ले आइए, 1024 KB 1 MB। फिर यहाँ से इसको नीचे ले आइए, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, 1024 TB 1 PB, 1024 PB 1 EB, और 1024 BW 1 ZB। फ्रेंड्स वैसे तो ज़्यादातर एग्जाम में ये यहाँ तक पेटाबाइट तक पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स देखिए जो मेमोरी का मेजरमेंट है एक नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर अभी तक टेराबाइट के अंदर ही यूज़ में आता है, इससे ऊपर की हार्ड डिस्क अभी अवेलेबल नहीं है एक नॉर्मल कंप्यूटर के लिए। अभी आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी होगी या तो GB में लगी होगी या TB में लगी होगी, उससे ऊपर की हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में नहीं होगी और आपने सुनी भी नहीं होगी। लेकिन इससे ऊपर का मेजरमेंट होता है, यानी ये PB यानी पेटाबाइट, एग्जाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटाबाइट, ज़ीरोबाइट होता है। कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने गूगल सर्वर्स के बारे में सुना होगा, यानी आप गूगल को तो जानते हैं और यूट्यूब को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अभी आप ये वीडियो यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। अब यूट्यूब के बारे में आपको एक खास बात मालूम है कि यूट्यूब पर रोज़ लाखों वीडियो अपलोड होते हैं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, इतने वीडियो यूट्यूब पर डेली अपलोड हो रहे हैं। तो ये जो वीडियो हैं इनकी साइज़ तो होती है ना, अभी देखिए ये वीडियो है, अगर इसकी साइज़ बताऊं मैं आपको तो ये करीबन 400-500 MB का एक वीडियो होगा। अब ऐसे वीडियो यूट्यूब पर एक दिन में जाने कितने अपलोड हुए होंगे, तो यूट्यूब पर इन वीडियो को स्टोर करके रखने के लिए कोई स्पेस तो होगी। अब क्योंकि यूट्यूब एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट किसी ना किसी कंप्यूटर, किसी ना किसी सर्वर से ही चल रही है, तो YouTube का सर्वर यानी Google का डेटा सेंटर, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको YouTube पर जाकर सर्च करना है Google डेटा सेंटर। आप जब YouTube पर जाकर सर्च करेंगे ना Google डेटा सेंटर तो आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आप देखना, उस वीडियो में आपको YouTube सर्वर दिखाया गया। YouTube सर्वर की साइज़ काफ़ी बड़ी है, कैलिफोर्निया के अंदर काफ़ी बड़े लार्ज एरिया में YouTube सर्वर फैला हुआ है और उन सर्वर्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हार्ड डिस्क लगा रखी है उन्होंने। और जब आप बहुत सारी हार्ड डिस्क लगा देते हैं और जब बहुत सारी हार्ड डिस्क आपस में मिल जाती हैं तो एक बहुत बड़ी मेमोरी की मेजरमेंट बना लेती हैं, यानी बहुत बड़ी मेमोरी बन के निकल के आती है। अब वो हो सकता है कि योटाबाइट हो, ब्रोंटाबाइट हो, ज़ीरोबाइट हो, वो मुझे नहीं मालूम कि यूट्यूब की अभी तक की मेमोरी कितनी है, टोटल मेमोरी मैंने काउंट नहीं करी। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल हार्ड डिस्क यूट्यूब सर्वर में लगी हुई है, लेकिन एक हार्ड डिस्क से वहाँ पर काम नहीं चलने वाला था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी हार्ड डिस्क को लगाया गया है और एक बहुत बड़ा सर्वर बनाया गया है, क्योंकि इतना सारा डेटा स्टोर करना था।
और ये जो हम वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो ये स्टोर तो करना पड़ेंगे ना कहीं ना कहीं। तो यूट्यूब ने क्या करा, एक बहुत बड़ा सर्वर बनाया हुआ है, उस सर्वर के अंदर उसने बहुत सारी हार्ड डिस्क लगा रखी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसके अंदर मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क लगा रखी है। मेरे पास हार्ड डिस्क है इसके अंदर HDD और उसकी जो साइज़ है वो है 1 TB। अब मान लीजिए मेरा काम जो है वो 1 TB से नहीं चल रहा है, ये हार्ड डिस्क फुल हो चुकी है। अब मुझे 4 TB की हार्ड डिस्क लगानी है तो मेरे पास ऑप्शन दो हैं। अगर 4 TB की सिंगल हार्ड डिस्क अवेलेबल है, जो कि अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, 4 TB की एक और हार्ड डिस्क लगा लूँगा। तो ये वाली हार्ड डिस्क तो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले ही थी 1 TB की, फिर मैंने 4 TB और लगा ली, तो अब मेरे कंप्यूटर की जो टोटल स्पेस होगी वो कितनी होगी, वो होगी 5 TB। क्यों? क्योंकि 1 TB और 4 TB मिलकर क्या बना लेंगे, 5 TB। अब मैं क्या बोलूँगा कि मेरे कंप्यूटर में कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है, 5 TB की, मैं टोटल बोलूँगा काउंट करके। उसी तरह यूट्यूब सर्वर में भी बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत बड़े डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर अपग्रेडेशन होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट। अब फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर डेट कैन बी सीन एंड टच्ड। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर के वो सभी फिजिकल कंपोनेंट जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब आप किसे देख सकते हैं और किसे छू सकते हैं, आप सभी कंप्यूटर पार्ट्स को छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, आप इन्हें क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं और साथ ही आप इन्हें देख भी सकते हैं। तो जितने भी मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाए थे वह सभी किसके अंदर आते हैं, हार्डवेयर के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होगी, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेट वी कैन ओनली सी कांट टच। मतलब कंप्यूटर के वो प्रोग्राम्स जिसे हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, तो वो क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर्स कहलाएंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम सबसे पहले बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होगी, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ डिज़ाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल कंप्यूटर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर को केवल डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो कौन से होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम रखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। कुछ मैं आपको टॉप कंपनीज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से आने वाली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, आप सभी ने यूज़ करा होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर आपके कंप्यूटर से विंडोज़ को हटा दिया जाए तो क्या आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा? तो विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं और इनके बिना कंप्यूटर को चलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने सबसे पहले बात करी थी किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाले विंडोज़ की। ऐसी एप्पल कंपनी भी अपने एप्पल के कंप्यूटर के लिए क्या बनाती है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। ऐसी गूगल कंपनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है जिसका नाम है एंड्रॉयड। तो अगर आप अपने फ़ोन से एंड्रॉयड को हटा दें, यानी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दें, तो क्या आपका फ़ोन काम करेगा? नहीं करेगा, वो एक हार्डवेयर बन के रह जाएगा। तो विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर काम नहीं करता। ओके, तो एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, ये सभी एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ओके, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। इसका मतलब यह है कि ये सॉफ्टवेयर केवल वही काम करेंगे जिनके लिए उन्हें बनाया गया है, इससे आप दूसरे टाइप का काम नहीं ले सकते। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्कूल में जो फ़ी मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ में लाया जाता है, वो सॉफ्टवेयर उस स्कूल के लिए फ़ी को मैनेजमेंट करने का काम करेगा जिसके लिए उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। मतलब जिस स्कूल के लिए उसको बनाया गया है, वो उस स्कूल के लिए फ़ी को मैनेजमेंट करेगा, स्टूडेंट की रिसिप्ट को प्रिंट करेगा। अब अगर कोई चाहे कि उस सॉफ्टवेयर को जो स्कूल में फ़ीस मैनेजमेंट का काम कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर को किसी मेडिकल स्टोर में बिल मैनेजमेंट के लिए यूज़ में लाए, मतलब रिसिप्ट वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज़ में लाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो स्कूल के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए वो केवल स्कूल के लिए ही काम करेगा। तो ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टाइप का काम करते हैं, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे मैं आपको और एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे MS Office, आपने MS Office में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर काम किया होगा।
जैसे अगर किसी को ऑफिस में कोई काम करना है तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में करेगा, अब अगर किसी को अकाउंटिंग करनी है तो वो टैली में करेगा, किसी को MP3 सॉन्ग सुनना है तो वो MP3 प्लेयर में सुनेगा, किसी को वीडियो देखना है तो वीडियो के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्लेयर हैं। तो अब देखिए बात समझिए, किसी को अकाउंटिंग का काम करना है तो वो टैली में ही करेगा, ना कि MP3 प्लेयर में करेगा, क्योंकि MP3 प्लेयर का काम है केवल MP3 सॉन्ग को सुनाना, और अकाउंटिंग करने वाला काम टैली में ही हो सकता है, वो दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकता। जो फैसिलिटी टैली देती है वो टैली में ही होगा। तो किसी पर्टिकुलर टाइप के काम को करने वाले सॉफ्टवेयर सभी किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर आप एक्स्ट्रा कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए हो, वो सभी सॉफ्टवेयर किसके अंदर आएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो सॉफ्टवेयर केवल दो ही टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट देखिए कई बार आपको एक टाइप और सुनने के लिए मिल सकता है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी भी एक सॉफ्टवेयर का टाइप है, बट वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही काउंट होता है। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्रोटेक्शन का, मेंटेनेंस का काम करते हैं, ठीक है, रख रखाव का काम करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एंटीवायरस। अब एंटीवायरस वैसे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, बट चाहें तो उसको अलग से हम एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैटेगरी इसमें रख सकते हैं। एंटीवायरस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, वायरस से सिस्टम सॉफ्टवेयर को बचाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बचाना। तो प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस पर्पस से जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और भी आते हैं जैसे टेम्प्रेरी फाइल को डिलीट करने वाले, डिस्क को क्लीनअप करने वाले, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में रखा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर काम का नहीं है, सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर काम का नहीं है। जैसे मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ कि जो लैपटॉप होता है उसके अंदर वाईफाई रिसीवर इनबिल्ट आता है, मतलब आप लैपटॉप परचेस करते हैं तो उसके साथ उसके अंदर एक वाईफाई रिसीवर लगा होता है। आप अपने मोबाइल का नेट अपने लैपटॉप के साथ शेयर करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब लैपटॉप में आप इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर मैं बात करूँ, पीसी के अंदर मैं बात करूँ, तो उसमें ऐसा कोई रिसीवर लगा हुआ नहीं आता, तो आपको अलग से एक वाईफाई रिसीवर परचेस करना पड़ता है। आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं वाईफाई रिसीवर। ओके, छोटा सा एक ब्लूटूथ जैसा होता है, उसे USB में लगा दिया जाता है। तो वो एक हार्डवेयर होता है जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसे आप छू सकते हैं। ओके, वो क्या है? हार्डवेयर है। उसे आपने अपने डेस्कटॉप में लगा दिया, पर वो लगाने के बाद काम नहीं करेगा, वो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको लगाने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर उसी के साथ आता है। उसके साथ एक छोटी सी डिस्क आएगी, CD आएगी, CD से आपको उसका ड्राइवर डालना पड़ेगा, यानी उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो ड्राइवर्स होते हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर में डिफरेंट्स काम होते हैं, जैसे साउंड ड्राइवर, VGA ड्राइवर, तो ये सभी क्या है? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। जैसे मान लो सॉफ्टवेयर तो आपने इंस्टॉल कर दिया वाईफाई रिसीवर का, बट वो हार्डवेयर डिवाइस काम नहीं कर रहा, तो फिर आप अपने मोबाइल से डेस्कटॉप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको बात समझ में आ गई? ऐसे काफ़ी सारे डिवाइस आते हैं जिनके साथ उनका सॉफ्टवेयर आता है, अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। ओके, और अगर हार्डवेयर ख़राब हो गया तो सॉफ्टवेयर को आप काम में नहीं ले पाएंगे। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।